गत 15 मार्च 2024 के शासन निर्णय से आने वाले दिनों में स्कूल के मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक एवं पर्यवेक्षक के पद का अस्तित्व खत्म होने वाला है। इतना ही नहीं, इस शासन निर्णय से स्कूल में शिक्षक की संख्या भी कम होने वाली है, जिसकी वजह से मराठी माध्यम की अनुदानित शालाएं भविष्य में बंद हो सकती है। ऐसी शंका अनिल महादेवराव शिवंकर, राज्य सचिव जनता शिक्षक महासंघ, इन्होंने जताई है। इस आशय का निवेदन आज संगठना की ओर से शिक्षण उप संचालक को दिया गया। इस अवसर पर संगठना के ग्रामीण और शहर के पदाधिकारी उपस्थित थे। नागपुर विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय मध्ये आज जनता शिक्षक महासंघ व भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी 15 मार्च 2024चा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा या संदर्भातले निवेदन देण्यात आले। कारण 15 मार्च 2024च्या शासन निर्णयान्वये मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, उपमुख्याध्यापक यांचे पद हे फार धोक्यात आलेले आहे। आणि इतकंच नव्हे तर या GRमुळे महाराष्ट्रात अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे, जेणेकरून अनुदानित शिक्षण व्यवस्था बंद पडते की काय असा एक प्रश्न निर्माण झालेला आहे। म्हणून हा GR तात्काळ रद्द करण्यात यावा अशी मागणी आम्ही शिक्षण उपसंचालक कार्यालय नागपूर विभाग नागपूर यांच्या मार्फत शासनाला पाठवलेली आहे। धन्यवाद। NBC न्यूज के लिए बोधा से संजय गेटे की रिपोर्ट।